फिरोजाबाद के एसआरके कॉलेज के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा के स्तर पर जोर दिया। उन्होंने भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्तों को भी देशहित में बताया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं नकल विहीन चल रही हैं। 1,90,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 1,88,000 कक्ष निरीक्षक हैं। 94,000 कक्षों में परीक्षाएं चल रही हैं। इसके लिए 7,784 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 56,00,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है जो शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। नकल वहीन परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा माफिया तत्वों के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से पेश आ रही है। ट्रंप के भारत दौरे में होने 120 करोड़ रुपए खर्च के कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि भारत मजबूत ना हो पाए। कांग्रेस भारत की सैन्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाती रही, भारत की विदेशी कूटनीति पर प्रश्न चीन उठाते रहे। यदि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहे तो इसका लाभ भारत देश को मिलेगा। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच किसका पक्ष लिया जाए इस पर अमेरिका भारत के साथ नजर आएगा। CAA को लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष का काम कर रहे हैं सरकारों के कामों में कमी निकालना। CAA का विरोध करने वाले भारत विरोधी हैं। आम आदमी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में कुछ नहीं कर पाएगी। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जायद हुसैन की रिपोर्ट। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।